सबका जो भी आप बनाओगे ऑर्डर लोगे सबका ऐसा ही होगा, यही साइज होगा या फिर साइज? ये जो भारत में स्पेशल ऑर्डर बनवाया था, हाँ इन्होंने अपने ऑर्डर से बनवाया था, अपने ऑर्डर से बनवाया था और अपने, तो गाइस 5 स्टार दे रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम भैया? आई फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ज़्यादा नीड फॉर स्पीड में मजा आया। ये रहा गाइस ऐसा कुछ, नीड फॉर स्पीड चल रहा है और ये फुल मस्ती में मज़े में लेके चला रहे हैं। ये देख सकते हो आर्केड गेम यहाँ पे चल रही है, ठीक है, अभी गेम क्लब के अंदर। और जिसको भी अगर बनवाना हो या लेना हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने, क्योंकि आज आप लोगों को पता चल चुका है गेम क्लब में आया हूँ, देख सकते हो गेम क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों को पता चलने वाला है कि यहाँ सेकेंड हैंड कंसोल्स है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं, और नए में क्या क्या मिलेगा, कंट्रोलर वगैरह। बहुत लोग कहते हैं सेकेंड हैंड कंट्रोलर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चलने वाली है। हम दो गेम क्लब में जाने वाले हैं, एक तो गेम क्लब आपको पता ही यहाँ पे जो खुला हुआ है मतलब भैया का खुद का, और एक दूसरे जगह पे जाने वाले हैं, वहाँ पे भी हम दिखाएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें कि कैसे कैसे वहाँ पे भैया ने बनवाया है और क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं वहाँ पे। तो दोनों पे जगह पे चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर ज़रूर देखना, आपको सब कुछ वीडियो में ही मालूम चल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया आप बताओ कैसे हो, ठीक हो भैया? फर्स्ट क्लास। तो भैया आज बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हो भैया बताओ? सेकंड हैंड में जो फिलहाल अभी अपने पास अवेलेबल है, क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोगों की सेकंड हैंड को लेकर डिमांड ज़्यादा है। तो सेकंड हैंड में अपने पास प्लेस्टेशन 4 मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, एक्सबॉक्स वन भी मिल जाएगा। तो और रिमोट वगैरह भी कई लोगों को चाहिए था, क्या रिमोट निकलवा दिया है? PS4 के अवेलेबल है। हाँ, जो कोई कई लोग कह रहे थे बिल्कुल इस कंडीशन में मिलेंगे आपको, देख सकते हो गाइस, ठीक है। आपने बॉक्स में से निकाले हो, ब्रांड कोई रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर नहीं, गारंटी होगी कि रिपेयर नहीं है, प्लस एक साल की कंट्रोलर की वैसे भी गारंटी मिलेगी आपको गेम क्लब से पुराने कंट्रोलर की। अच्छा, पुराने कंट्रोलर में आप दे रहे हो वारंटी? बिल्कुल, क्योंकि ये कोई रिपेयर नहीं है, ये रहता है रिपेयर कंट्रोलर की, आपको चेक करा के दे दिया, कल को आपकी कोई सुनवाई नहीं है, वो खराब हो जाता है, इसकी पूरी सुनवाई है, पूरी सुनवाई गाइस। देख सकते हो सारी कंट्रोलर जेन्युइन ओरिजिनल है, ठीक है, कलर भी अवेलेबल हो, कलर भी अवेलेबल है, उसमें देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ होने वाला, बढ़िया। तो भैया और प्ले स्टेशन का बताओ, प्ले स्टेशन कौन कौन से कैसे कैसे होने वाले हैं? स्लिम मॉडल अवेलेबल हो जाएंगे ये गाइस, देख सकते हो इसमें 500 GB से स्टार्ट है अपने पास। हाँ ठीक है, 500 GB अपना 16,000 रुपये का रहेगा और 1 TB हमारा 1750 का रहेगा, 1750 का। तो और उसमें क्या क्या मिलेगा साथ में? साथ में मतलब गेम वगैरह रहेंगी या नहीं रहेंगी? फिलहाल कोई गेमें नहीं होंगी, लेकिन हाँ ऑनलाइन 2 गेमें इसके अंदर हम डाल के दे देंगे, स्पाइडरमैन और आपका टेकन 7। अच्छा, टेकन 7 वगैरह सब उसमें गेम मतलब 2-3 गेमें रहेंगी? हाँ डाल के देंगे, आईडी में डाल के देंगे टेकन 7, जिसको वो ऑनलाइन भी खेल सकता है और ऑफलाइन भी खेल सकते हैं। और इसके साथ एक कंट्रोलर रहेगा, इसकी HDMI केबल, पावर केबल, कंट्रोल को कनेक्ट करने के लिए करने वाली केबल। और ये क्या विद बॉक्स मिलेगा? कई लोग बोलते हैं विद बॉक्स चाहिए या फिर कुछ के साथ बॉक्स आ जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ के साथ बॉक्स नहीं आ पा, पैक देते हैं, तो जिसके साथ बॉक्स अवेलेबल होगा उसका बॉक्स हम साथ देंगे, क्योंकि बॉक्स हमारे किसी काम का नहीं है, जिनके साथ बॉक्स नहीं होगा उनको बॉक्स नहीं दे पाएंगे, बॉक्स नहीं दे पाएंगे ज़्यादा कुछ है। तो ऐसा कंडीशन दिखाओ भैया, काफ़ी बढ़िया कंडीशन है, देख सकते हैं पैक मिलेगा सबसे पहले पैक, तो आप ये सील की पहचान होती है। हाँ, जिन भी जो भी गेमर भाई हैं, जो भी प्ले स्टेशन के नॉलेज रखते हैं, वो देख सकते हैं, पहचान लेंगे कि बिल्कुल सील वगैरह पैक कंसोल है, देख सकते हो अंदर से बिल्कुल चमक रहा है, देखो देख सकते हो बिल्कुल नया पीस है, ठीक है, ऐसा कुछ वगैरह देख सकते हो आगे से। गलत प्रोडक्ट आपको गेम क्लब से नहीं मिलेगा, हाँ जो भी मिलेगा अंडर वारंटी मिलेगा, कि कोई भी दिक्कत आती है तो आप गेम क्लब पे आराम से आसानी से प्रोडक्ट वापस भेज सकते हैं। और बताओ भैया एक्सबॉक्स का बताओ? Xbox 1 मिल जाएगा अपने पास, ये भी 500 GB से स्टार्ट होता है। हाँ, इसकी कंडीशन देखो गाइस, पहले कंडीशन देखो इसकी, इसका एडॉप्टर चमक रहा है, पावर केबल, इसकी HDMI केबल और एक कंट्रोलर आता है इसके साथ। हाँ, ये 500 GB से स्टार्ट हो जाता है, 500 GB आपका 10,000 रुपये से। तो भैया इसमें भी कुछ गेम वगैरह है या नहीं है? इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग चलती है, अधिकतर लोग ऑनलाइन खेलना पसंद करते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिसमें गेमिंग उनको सस्ती पड़ जाती है, सब्सक्रिप्शन लेने पे बहुत सी गेमें फ्री में मिल जाती हैं। बाकी इसकी भी गेमें सेम PS4 के ही रेट पे हैं, कोई ऊपर नीचे का फर्क नहीं है, इजीली गेमें मिलती हैं एक्सबॉक्स की भी। तो इसमें मतलब इसको ये बॉक्स के साथ मिलेगा या फिर ये ऐसे बॉक्स के साथ मिलेगा? जिनके साथ बॉक्स अवेलेबल होंगे उन कंसोलों के बॉक्स जरूर मिलेंगे, जिनके साथ बॉक्स अवेलेबल नहीं होंगे उनके साथ बॉक्स नहीं मिल पाएंगे, बॉक्स नहीं मिल पाएंगे गाइस। जैसे तो रिमोट वगैरह देख सकते हो बिल्कुल न्यू पड़ा है, ये भी सील पैक के सेट, कोई रिपेयर नहीं है, एक्सबॉक्स की ये सील लगी हुई है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है इस एक्सबॉक्स की। कोई खुला हुआ कंसोल, कोई खुला हुआ कंट्रोलर, कुछ भी गलत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये देख सकते हो बहुत ही मतलब
अच्छे चमक रहा है, देख सकते हो चमक रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन है। और भैया मतलब कई लोग का सवाल ये होता है कि कितना पुराना है, तो भैया इसमें आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कई लोगों को कहा कि हमें तो पता होता नहीं है कि कैसा क्या है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं पुराना पुराना होता है, लेकिन अगर वो रिपेयर्ड नहीं है, पैक सेट है, तो वो आदमी इसको ले सकता है, ले सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब दिक्कत नहीं आती क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट हैं, कंपनी के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नहीं है कि ये खराब हो जाए जल्दी से। हाँ, अगर कोई रिपेयर्ड है, सील हटी हुई है, तो उसमें डाउट रहता है, उसमें सोचता है आदमी कि कितना पुराना है, क्या इसके अंदर वर्क हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या चलेगा या क्या प्रॉब्लम आ रखा था या नहीं आ रखा था। अगर सील पैक कंसोल है और वो अभी वर्किंग में है, कल को वो खराब होता है तो कोई छोटी मोटी ही प्रॉब्लम आएगी और वो रिपेयर हो जाता है। हाँ, तो ऐसा हो रहा। तो भैया और कई लोगों को सेकेंड हैंड में बोल सकते हैं या फिर यूज्ड सीडियाँ चाहिए थी, मतलब तो उसका क्या क्या होने वाला? सभी साइड टाइटल्स का तो अलग अलग। सर सेकेंड हैंड सीडी जितनी भी हैं सब 50% पे मिलती हैं, जो भी ऑनलाइन MRP दिखाएगा उस पर 50% आपको सीडी मिल जाएगी। अब जैसे कोई सीडी 1800 रुपये की है तो आप उसके हाफ कर लीजिए, 900 रुपये, 900 रुपये की हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी अभी नए किसी को चाहिए हो गया, बहुत कलेक्शन अवेलेबल है अपने पास, GTA 5 से लेके एवेंजर से लेके अनचार्टेड, माइनक्राफ्ट, वॉच डॉग 2 लेटेस्ट वाली, नीड फॉर स्पीड पेबैक, रेड डेड रिडेम्पशन, इनजस्टिस 2, WW20, क्रिकेट 19, स्पाइडरमैन गेम ऑफ द ईयर, बहुत सारी कलेक्शन है यहाँ पे। सेकंड क्लाइंग, फीफा 21, 19, क्रिकेट, लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर, सारी गेम अवेलेबल है, सारी गेम्स अवेलेबल है, जिसको चाहिए होगा इस खरीद सकते हैं, यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी खरीद सकते हैं। और भैया सेकेंड हैंड का बताओ, इसका जो बता रहे हो आप प्राइस वगैरह क्या होने वाला है इसका? सर इसके 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये प्राइस रहता है, 2000 से 2500 तक कंडीशन के ऊपर। देखो ये थोड़ा सा ये भी रिपेयर्ड नहीं है, ओरिजिनल कंट्रोलर है, जेन्युइन कंसोल है, इसकी भी गारंटी मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा उससे पुराना दिख रहा है कंडीशन में, रफ कंडीशन में, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, जैसे अभी आपने बॉक्स से निकाला है, तो थोड़ा सा बस कंडीशन के ऊपर 300-400 रुपये का फर्क है बस, बाकी 2 से 2500 रुपये के बीच में आपको ओरिजिनल कंट्रोलर मिल जाएगा, उसकी भी मैं 1 साल की वारंटी दूंगा कि कुछ भी खराब हो, आपको लगता है कि एनालॉग खराब हो रहा है, R2, R1, L1 ये सब मेरे को दिक्कत दे रहा है, बटन दिक्कत दे रहा है, तो सब कुछ एंड टू एंड सही रहेगा। और भैया जो जो आपके पीछे जो कंट्रोलर रखे हुए हैं नए, उनका क्या होने वाला है? सर PS3 के कंट्रोलर अपन देते हैं 650 रुपये के। हाँ ठीक है, 650 रुपये की जो क्वालिटी है उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, उसके बाद आ जाता है 900 रुपये का कंट्रोलर, उसकी आपको गारंटी मिलेगी 6 महीने की, कोई भी आपको दिक्कत है तो वो रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। भैया PlayStation 4 का बताओ, PlayStation 4 का कंट्रोलर? PlayStation 4 के जो कंट्रोलर है हमारे पास 2000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, अब जो 2000 रुपये वाली क्वालिटी है उसकी कोई वारंटी नहीं होगी, उससे थोड़ी सी और ऊपर क्वालिटी आती है, वो 2500 रुपये का कंट्रोलर है, उसकी आपको 3 महीने की वारंटी मिलेगी, अगर आपको कोई भी एनालॉग में किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो वो रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। हाँ जी। और भैया इसके साथ साथ अब स्टीयरिंग वगैरह है, स्टीयरिंग का क्या सीन चलने वाला है? और साथ में स्टीयरिंग का हमने और भी बेस्ट प्राइस कर दिया है, 7000 रुपये का हो गया है, 7000 रुपये का हो गया गाइस, पहले थोड़ा सा महंगा था। देखो ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन में कनेक्ट होगा, आपका PC में भी कनेक्ट होगा, आपका Xbox में भी कनेक्ट होगा, आपका PS4 में भी कनेक्ट होगा, PS3 में भी कनेक्ट होगा। हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है, ऑल इन वन कंसोल, ऑल इन वन है गाइस, देख सकते हो। और भैया ये बताओ इसके बारे में बता दो, ये होम थिएटर है, होम थिएटर के बारे में क्या क्या रेंज में है, शुरुआत क्या है और एंडिंग क्या है? 800 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 800 पे स्टार्ट होता है, 800 रुपये से स्टार्ट होने के बाद ये 19000 रुपये तक चले जाते हैं। 800 रुपये भी आपने ये होम थिएटर से बात करी है ना इन सब की? और जो स्पीकर्स हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स उनका? ये सर आपके 2000 रुपये से स्टार्ट है, 2000 रुपये से स्टार्ट है, देख सकते हो ब्लूटूथ स्पीकर्स जो है वो 2000 से स्टार्ट है। और ऐसा तो LED के बारे में बताओ भैया, LED भैया हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो हमारे पास असेंबल्ड LED अवेलेबल, प्लस हमारे पास कंपनी की ब्रांड ही सेकंड हैंड भी अवेलेबल होती है। अच्छा सेकंड हैंड, सोनी की ओरिजिनल LCD है। हाँ कितने इंचेस का भैया ये? ये 32 इंची है, 32 इंच का देख सकते हो। तो भैया ये एंड्रॉइड है या फिर ये नॉर्मल वाली टीवी? एंड्रॉइड नहीं है, ये नॉर्मल है, LCD है ना ये? LCD है गाइस, LCD में नहीं आता ज़्यादा, LED मुझे पता है LED में आता है ना। तो गाइस ऐसा कुछ है ना, क्या इसका प्राइस वगैरह कुछ आपने कोड किया भैया? ये 5500 रुपये, 5500 रुपये गाइस देख सकते हो, बहुत ही अच्छा जर्मन। इसमें भैया क्या क्या इसमें साथ में है? इसके अंदर HDMI पोर्ट, ऑडियो वीडियो पोर्ट, सारे पोर्ट आप लगा सकते हैं, सारे पोर्ट लगा सकते हैं, सारे सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा गाइस देख सकते हो। और भैया जो ये सारे आप सेकंड हैंड में हमारे पास LG के भी कुछ ब्रांड आते हैं, ये भी मिल जाएगा, ये आपको 8000 रुपये का मिलेगा, ये LED है, ये LCD है, ये LED है। अच्छा ये है क्या वो एंड्रॉइड वाला है या फिर नॉर्मल वाला? ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला है। एंड्रॉइड भी अगर किसी को चाहिए हो, एंड्रॉइड भी आते हैं, एंड्रॉइड चाहिए तो एंड्रॉइड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एंड्रॉइड में असेंबल्ड हमारे पास गाइस ये वाला है नया, ठीक है। तो भैया कई लोग को अगर सेकंड हैंड में TV चाहिए हो तो वो भी आप मिल जाएगा, तो गाइस यहाँ पे सेकंड हैंड TV हो जाएगा आपको, नया चाहिए हो तो नया ये
स्पीकर्स वगैरह हो जाएंगे और एलईडी बहुत सारी है देख सकते हो आप, ठीक है। और नया चाहिए हो नया मिल जाएगा आपको, पुराना चाहिए हो पुराना मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसोल वगैरह ये देख सकते हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिसको लेना हो जल्दी जल्दी कॉल करो, और जिसको लेना हो जल्दी जल्दी ले सकते हो। मैं आपको नंबर वगैरह दिखा देता हूँ गाइस, अगर कॉल करना हो तो। भैया एक यही नंबर है ना आपके पास? हाँ जी, फिलहाल एक यही नंबर है मेरा। जो भी गेम क्लब से डील करते हैं, जो भी गेम क्लब को पेमेंट करते हैं, वो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि सिर्फ गेम क्लब का एक ही नंबर है, वो नंबर ये है। हाँ। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो वो इसी नंबर पे करेगा। ये नंबर आप मेरा गूगल पे भी चेक करेंगे हाँ, पेमेंट करने से पहले, और यूट्यूब विशाल भाई के चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं हाँ, हाँ। प्लस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप मेरा ये नंबर चेक कर सकते हैं हाँ। उसके बाद आप आगे पेमेंट करना, इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक करेगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह आपको पता ही है, मैं आपको वीडियो में बताई रखा हूँ और दिखा दूंगा और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, जिसको चेक करना हो चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं गेम क्लब अंदर और देखते क्या क्या होने वाला है वहाँ पे आर्केड के बारे में। ये देख सकते हो आर्केड गेम यहाँ पे चल रही है, ठीक है, अभी गेम क्लब के अंदर। और जिसको भी अगर बनवाना हो या लेना हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हो। कुछ मज़ा ही आया था फील, एक्चुअली वो ना टेकन के लिए जो फील आता है वो आर्केड में मज़ा आता है, देख सकते हो। फाइनली वो आखिर जीत गया है भाई, जीत गया, क्या बात, मज़ा आया। कैसा क्या पसंद है, मतलब इसमें मज़ा आता है या फिर इसमें कंट्रोलर वाले में, दोनों में? इसमें फील आता है ना ज़्यादा टेकन के लिए, और गेम में तो उसमें चलती है अच्छा, मज़ा ही आता ही है, बट टेकन के लिए काफ़ी ज़्यादा फील। सो हेलो हेलो भैया, व्हाट अबाउट द गेम क्लब? इट्स अ वेरी गुड गेम क्लब, ओके, हैविंग अ वेरी नाइस टाइम हियर, इट्स वेरी गुड, सो आई टॉक अबाउट पीपल टू कम ओवर हियर टू हैव फन बिकॉज़ हियर इज आल्सो अ गुड प्लेस। ओके, एक्सपीरियंस गेम क्लब माय एक्सपीरियंस, आई एम गोना गिव इट 5 स्टार बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड। तो गाइस 5 स्टार दे रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम भैया? आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, यस भैया, तो गाइस साउथ अफ्रीका से हैं और आए हुए हैं अभी खेलने के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं और खेल रहे हैं गाइस, तो एक अच्छा सा लगता है। उत्तम नगर में बैठे हुए हैं और मज़ा सा आ जाता है यार, ऐसे लोग आते हैं ना तो फील आ जाता है गाइस, देख सकते हो। आपको आना हो तो आप भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, ठीक है। गाइस अब बात करते हैं इन्होंने मतलब इस आर्केड को जिसने बनाया है, अभी भरत भैया गेम खेल रहे हैं, ठीक है, इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो चलते हैं। तो विक्रम भैया ये बताओ क्या क्या बना लेते हो और कैसे कैसे बनाते हो, क्या क्या कैसे कैसे ऑर्डर देना पड़ता है, और मतलब ये बताओ ये अभी कौन कौन से कंसोल में चलेगा पहले ये बताओ। मैं हर कंसोल के लिए अलग से रीडिंग कर सकते हैं, कस्टमर जैसा कहे उस कंसोल के लिए हम बना देते हैं। अच्छा, और मतलब जैसे इसमें अभी टेकन का लगा हुआ है, ठीक है, जैसा अपने मर्जी से किसी और का लगवाना चाहे, कोई लोग GTA का लगवाना चाहे, कस्टमाइज कराना चाहे करा सकता है, कोई दिक्कत अपने हिसाब से हाँ। और जिस कंसोल के लिए बनवाना चाहे उस कंसोल के लिए बनवा सकता है, वायर वायरलेस कैसा भी, मतलब वायरलेस भी बन जाएगा इसमें, वायरलेस भी बन जाएगा और वायर वाला भी बन जाएगा। तो गाइस जैसे देख सकते हो इसमें अभी दो लगे हुए हैं वायर वगैरह जैसे दिख रहे हो, ठीक है, तो ये वायरलेस भी बन जाएगा। तो भैया और इसका ऑर्डर वगैरह कहाँ पे देना होगा, आपको देना होगा ऑर्डर? आप गेम क्लब पे दे सकते हैं, ऑर्डर गेम क्लब पे ऑर्डर दे सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा तो मतलब क्या टाइमिंग वगैरह होगी मिलने की, या फिर 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा? अच्छा, 2-3 दिन के, मतलब पहले उनको हाफ पेमेंट करना होगा कि ऑर्डर देने के लिए कि हाँ भाई आप बनवाओ, है ना, करनी पड़ेगी। तो और तो गाइज देख सकते हो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो भैया इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिपेयरिंग वगैरह का क्या क्या करते हो आप? पहली बात तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं हाँ, एक एक चीज़ और 25 तरीके की अलग अलग टेस्टिंग करते हैं हाँ। प्रॉब्लम तो आज तक हमारे इतने भी गए हैं ऑल इंडिया में, एक में भी नहीं आई प्रॉब्लम, एक में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कौन कौन से आप रिपेयरिंग वगैरह करते हो प्लेस्टेशन और गेमिंग के अंदर, किसी भी चीज की, कमर्शियल से लेके होम एडिशन कोई सी भी आइटम हो, PS4 PS3 Xbox 360 सारी, और कंट्रोलर वगैरह भी तो भैया गाइस देख सकते हो यार ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो भैया ये बताओ इसका जैसा इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे भरत भैया भी बैठे हुए हैं, पैर रखे हुए हैं, ठीक है, दो लोग खेल सकते हैं, मतलब गैपिंग भी काफ़ी अच्छी है ताकि मतलब खेलने तो ज़्यादा भीड़े ना लोग, तो इसमें सबका जो भी आप बनाओगे ऑर्डर लोगे सबका ऐसा ही होगा, यही साइज होगा या फिर साइज? ये जो भरत ने स्पेशल ऑर्डर बनवाया था हाँ, इन्होंने अपने ऑर्डर से बनवाया था, अपने ऑर्डर से बनवाया था और अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया था हाँ। तो आप भरत से पूछ सकते हो वो कितना खुश है इसको लेके,
तो भैया आप बताओ इसको लेके मतलब कैसा रिव्यू देना चाहोगे आप, कैसा लगा ये आपको? सर फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी निकलवा चुके हैं। निकलवा चुके हैं बच्चा, जो भी गेमर आता है, हाँ, जो भी आर्केड गेमों के शौकीन है वो सबसे पहले इसी पे खेलते हैं, इसी पे खेलते हैं क्योंकि आर्केड गेम पसंद इसी भी होता है कि बहुत लोग है ना जो स्पेशल आर्केड के लिए ही है ये, इसमें आर्केड तो बहुत ही कम खेलते हैं। मतलब इसमें एजेड लोग भी आए खेलते हैं क्योंकि वो पुराने गेम खेलते थे तो उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो भैया इसको अगर किसी को बनवाना होगा तो प्राइस वगैरह क्या होगा? मतलब कई लोग पूछेंगे क्या है, हमने कस्टमर के ऊपर ऑप्शन छोड़ रखा है वो किस तरीके से कस्टमाइज कराना चाहता है। हाँ ठीक है ना। हाँ, हाँ, आप 5,000 से लेके 20,000 तक का बनवा सकते हो। 5,000 से कम 5,000 में बन जाएगा है ना, कम से कम बन जाएगा 5,000 का, उसको जितना मर्जी ऊपर ले जाएंगे। अच्छा जैसे कि ये, हाँ ये बहुत महंगी कॉस्टिंग का बना हुआ है, महंगी है। मतलब इसमें जो ये नीचे भी लगा हुआ है लकड़ी वगैरह वो सब भी ज़्यादा कॉस्ट मतलब हो जाता है ना, या फिर किसी को डब्बा डब्बा बनवाना तो वो भी बन जाएगा। ये साइज भी स्पेशल था, स्पेशल था इसमें हमने ना जो ऑर्डर हम बनाते हैं उसका साइज थोड़ा कम होता है, कम होता है थोड़ा, इसका साइज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का इस देख सकते हो। चौड़ाई इसकी काफ़ी रखी है, हाँ चौड़ाई लंबाई और दूसरी फ्लैटनेस, हाँ हाँ हमारा काफी अच्छा बनते हैं। ये फिनिशिंग देख सकते हो गाइस, फिनिशिंग काफी बढ़िया है। हाँ, ये ग्लासी लुक में टूटने वाला आइटम भी नहीं, कहीं नहीं टूटने वाला गाइस, बहुत ही तगड़ा है और तो बहुत ही अच्छा है। तो इसकी जो भी प्राइसिंग वगैरह होगी वो उसी समय बताया जाएगा है ना। कस्टमर कैसे कस्टमाइज कराना चाहता है, अब मान लीजिए इसमें हम 500 वाला भी कस्टमर हैंडल लगा सकता है, 2,500 वाला भी हैंडल लगा सकता है, हैंडल वगैरह बटन वगैरह सब कुछ अपने मशीन से बहुत फर्क आ जाता है। हाँ हाँ ऐसा कुछ होने वाला है ना, वो कस्टमर को छोड़ रखा हमने। अच्छा, लेकिन जो हम बना रहे हैं नॉर्मल वाला जो ऑर्डर देंगे उसको कम से कम हाफ पेमेंट देना पड़ेगा कि हाँ भाई दो बनाओ ऐसा कुछ करके। तो मतलब जो कुरियर करना होगा तो कुरियर भी हो जाएगा, ये ऑल इंडिया में कहीं भी कुरियर हो जाएगा ना, पेमेंट कीजिए कुरियर के पैसे आपको खुद भी देने पड़ेंगे। हाँ 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 आपके पास पहुँच जाएगा, आपके पास पहुँच जाएगा ना। चलो तो भैया ये बताओ अभी गेम क्लब का क्या क्या रेट वगैरह चल रहा है? रेट वही है हमारे जो पहले थे, 100 rupees आवर, चाहे हाँ। कोई सी भी गेम खेले, स्टेयरिंग व्हील पे खेलना चाहता है बंदा हाँ। तो 100 रुपये घंटा, वर्चुअल रियलिटी पे 100 rupees ही है हाँ। और ये स्टिक बनाई है मैंने। हाँ तो इसका क्या प्राइस होने वाला आवर? ये सेम प्राइस है 100 rupees पर आवर, कोई सी भी गेम खेले इसमें खेले, आर्केड गेम ना, कोई भी आर्केड गेम खेले 100 rupees आवर ही है। हाँ और यहाँ पे भी चल ही रहा था अभी GTA खेल रहे हैं, भैया घंटा भी ले लेंगे और स्टेयरिंग का देख सकते हो गाइस, स्टेयरिंग का ऐसा कुछ है। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है भाई, GTA से ज़्यादा नीड फॉर स्पीड में मजा आया। ये रहा गाइस ऐसा कुछ, नीड फॉर स्पीड चल रहा है और ये फुल मस्ती में मजे में लेके चला रहे हैं ऐसा कुछ है गाइस, बहुत ही बढ़िया फील आ जाता है। देख सकते हो यहाँ पे GTA भी खेल रहे हैं और ये रहा, और ये क्या देख सकते हो बैठने बैठने के लिए सब कुछ मतलब पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, यहाँ पे फैन वैन चल रहा है, बकायदे AC चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप उत्तम नगर रहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्चुअल रियलिटी भी आपको मिल जाएगा, आर्केड मिल जाएगा, जो गेम चाहते हो आप वो सारी गेम्स अवेलेबल हो जाएंगी, साथ में आपको मतलब इन्जॉय के लिए ऐसा कुछ होने वाला है, ब्लूटूथ वगैरह ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी आना हो आ सकते हैं, वैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शंस हैं, जिसको भी आना हो आके देख सकते हो, बहुत सारी कलेक्शंस हैं यहाँ पे, जिसको जो गेम खेलनी हो सारी गेम एक ही प्राइस में है, पर आर 100 और सब कुछ यहाँ पे।